मीठे पीठे प्यारे प्यारे बाबा के जब बाबा कहती हूँ ना तो दिल में मेरे क्या है कौन है बाबा कैसा है कौन है कैसा है आप सब सच्ची दिल से प्यारे बाबा को जो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है उनसे देखो नेत्र दिया है आपको देखने के लिए और बाबा को देख करके नेत्र खुल गया है ये आँखें हैं ना प्रभु दर्शन की भक्ति में प्यासी भक्ति में थी प्यासी सिर्फ दर्शन की प्यासी वो प्रभु दर्शन जिसकी प्यासी उसकी दृष्टि महासुखकारी, सुखकारी जीवन में सदा कल्याण करने वाली तो जब मुझे कहा कहानी सुनाओ, कहानी क्या सुनाऊँ, जीवन ही है तो मैंने सोचा मैंने कभी रोया है जिंदगी कभी रोता हुआ देखा नहीं वह डम्बे है जीवन के रास्ते आओ चलो हम गाते हंसते कभी दुख में परीक्षाएं तो आना बात नहीं है दुखी होकर के आंसू बाएँ भगवान को भी कहूँ मुझे ये दुख बहुत है नहीं बार इसलिए प्यारे बाबा ने मेरे को जान लिया मैंने उसको जान लिया भक्ति में भी कहती थी भगवान तुम तो बहरा है क्या मेरी बात सुनता है कि नहीं सुनता है साधु संत महात्मा चाहे कहे सारी दुनिया भारत के चारों धाम के फेरे लगाए कहा आंख नहीं डूबी वो सातवीं भूमिका पर पहुंचे हुए कहते थे वो महात्माएं भी देखे आंखें नहीं डूबी और संसार के कोई व्यक्ति वैभव के तरफ आंखें नहीं डूबी कुछ भी नहीं है, है। तो ऐसी आत्मा को कहा जन जन संसार में कुछ भी चाहिए नहीं जो कुछ है बहुत कुछ है पर मेरे लिए नहीं है मेरे लिए नहीं है किसी के लिए नहीं है मेरा कोई सगा संबंधी है ही नहीं बचपन से मेरा कोई सगा संबंधी है ही नहीं जिसके तरफ कहूँ इसके लिए मुझे कोई चिंता है उसको कुछ देना है या उनसे मुझे कुछ लेना है निवर ये अभी के जो बाबा ने संस्कार भरे चौरासी जन्म काम में आए हैं भरे संस्कार बाबा ने है रियल्टी और रॉयल्टी के संस्कार क्या होते हैं तो जब मैं कहानी शुरू करूँ बचपन में भी आठ नौ साल की उम्र में बाबा को देखा था जब बाबा कहती हूँ तो ब्रह्मा बाबा सामने देख रहे हो ना? प्यारा लगता था ये लौकिक बाप है। खराब तो नहीं था अच्छा था दुनिया के बेटा अच्छा था पर ये बाबा अच्छा है बड़ा अच्छा है, है।, है। जब कलकत्ते में हम बाबा के पास गए थे तो बाबा हमारे लौकिक बाप को कहता है दो बहनें थी तभी इन बच्चियों को कहाँ रखा है चलो नज़दीक संबंध था ऐसे तो समझा था हम तो गेस्ट हाउस में रहे थे ये बच्चियों को कहाँ रखा है ये बच्चियों को अपने बाप के घर रहना है इतना प्यार बाबा की दुकान पर गए इतना प्यार बच्चे कुछ चाहिए और बच्चा, बाबा के लिए मुझे दूसरा भी लौकिक रीत से हमारे लौकिक में मामा था बाबा का मैनेजर था उनसे कोई भूल हो गई कुछ ही जवाब बाबा पर था तो कोई आया खरीद करने के लिए जवा देखने के लिए उन्होंने समझा तो अच्छा उनको पसंद आया फिर वो देख करके फिर कहा अच्छा जाते हैं बैंक से पैसा लेके आते हैं सारी जो चीज़ थी ना वो फिर ऐसी नगर रखे गए उसके पास सेम ऐसी जूठे हीरो की बना के लेके आए थोड़े समय के बाद पर ऐसे ही फिर कैसे उसको आंखों में सुरमा डाल दिया वो समझो वो उसके वहाँ चेंज कर दिया उसने काम को पैसा मिला ही नहीं थोड़े से वो चले गए के पास उसको ख्याल आया मैं देखू तो देखे तो वो सारे इतने दुखा देख चले गए ये जूठा छोड़ के गए सच्चा लेके गए तो उसको थोड़ा शाक आया मैंने भूल की है बाबा ने एक अक्षर उसको नहीं बोला तुमने ये भूल की ये क्या किया असल नहीं बोला ये देख करके तब भी भी हमको वंडर है જરા સા કભી બાબા કો ગુસ્સા કરતા નહીં دیکھا નારાજ होता કભી નહીં دیکھا લોકિક મે ભી اتنا પ્યારા لگتا થા اتنا પ્યારા لگتا થા જો અભી ભી મે કહું પ્યારા કિતના પ્યારા હે બાબા કે દુકાન પર જો કામ karte the kuch thodi chori kiya bachaya hoya hoya चाहिए ना ले लो ना बाप से है इतना अनिस्टी क्या होती है जो कहीं नहीं देखी वो बाबा ने देखी तो हम बाबा को देखती रहती थी लोग छोटे बचपन से लेकर के तो स्टोरी तो बहुत है आ? निर्मल शांता दादी मेरे साथ के लिए स्कूल में पढ़ती थी जब बाबा एक घर जाती थी उनसे ज्यादा मेरे को प्यार करता था पर बाबा के घर जाती थी बाबा गीता पढ़ता था बाबा गीता पढ़ता हुआ भी मुझे अच्छा लगता था गीता तो हम भी पढ़ते थे और सब पढ़ते थे लेकिन बाबा गीता कैसे पढ़ रहा है इतना ध्यान से पड़ रहा था इतना ध्यान से भगवान कृष्ण है या कौन है तो निराकार है पर वो कहता है मैं अजन्मा हूं पर कहता है मैं नाम पर से न्यारा हूं मैं सूर्य चंद्रमा से ऊपर रहता हूँ पर वो कौन है पर चिटचित करता था तो मैं कहती थी कि कैसा पड़ता है तो हर बात बाबा की जो थी ना रॉयल भी बहुत इतनी रॉयल्टी जब बाबा के पास जाओ न इतना प्यार से खिलाएंगा इतना पर ऐसे में रॉयल्टी और सच्चाई बेहद कोई इंसान दिखाई नहीं बड़े बड़े सब देखे थे राजा महाराजा भी देखे होंगे स्वामी सन्यासी महात्मा भी बहुत देखे होंगे तो जो मैं जो आशिक ही हूँ ना बाबा की सच्चाई पर प्यार पर स्नेह पर तो स्टोरी तो और है तो लौकिक बहन हमारी जिसे अभी सही छोर लच मरा वो स्कूल में होशियार थी मैं थोड़ी भोली भाली थी सबको अच्छी वो लगती थी मैं अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो थोड़ा मुझे लगता था जैसी हूँ वैसी हूँ ईश्वर की हूँ चाला की करना मुझे आता ही नहीं था दिखावा करना आता ही नहीं था असलों से जैसे कि ये मेरा काम नहीं है ये मैं नहीं कर सकते हैं समय जो अभी मैं कहती हूं सफला करना बचपन से लेकर संस्कार है लोग माँ को भी कहती बच्चे पैदा करने जानती हो पालना करने का कल नहीं है तेरे को संभाल सोती का एक को हो नौकरों से काम क्यों लेती हो बैठ उठो फिर राम राम बैठ के लिखो फिर चिटकी फारो फिर चिटकी अट्टे का बना करके उस पर राम की गोली डालो तो शाम को जाएंगे गिद्दू बंदन नंदी के ना, बाबा की सबकी कारें आती थी कारें तब तक तो मुश्किल से किसको कार मिली थी मिलती थी हम भी जाते थे राम नाम की धुनी करते करते मछलियों को वो गोलियां खिलाते थे एक गोली फेंको अटे की गोली उसमें राम लिखा पड़ा है राम तो मछली भी राम राम मछलियों का भी उधार हो जाए बाबा देखता था ये करती क्या बाबा को ये पता था ये करती क्या सारा दिन हाँ। तो बाबा को मेरा जैसे बचपन से लेकर के ये जो ऐसी लड़की कोई सिंध में थी नहीं लड़की माना साइलियाँ चाहिए घूमना चाहिए कपड़ा चाहिए जेवर चाहिए जिवर चाहिए नहीं और किसको जेवर बाप के दुकान पर है लेकर के जिसको दिल ले लो पैसा हाथ में आए गम रखेंगे नहीं कभी आज दिन तक पैसा हाथ में रखा ही नहीं अकली नहीं है जाओ पागलों के हॉस्पिटल में जाओ उसको कुछ खिला के आओ बीमारों के पास जाओ इधर जाओ उधर जाओ तो दादा वासवानी भी प्यार करता था मोटर आई तो जाओ गामरों में जाओ सबको वैशरूम बना के आओ तब से लेकर के मेरा मशहूर है मुझे गुआर की भाजी डोडा मिला लस्सी मिली बहुत कुछ मिला कमरों में जा कर के गुआर की भाजी गुआर सस्ती मिल जाती बहुत एक पैसे का डोडा पका लस्सी के लाद पिया पर कितने को वेजिटेरियन बना के आती थी दादा सन खुश होता था उसने बहुत प्यार किया कोई साधु महात्मा ने स्वामी गंगेश्वर स्वामी ने प्यार किया होगा क्यों मुझे बता दो तुम भगवान को कैसे याद करता है ये नहीं कहो ये मंत्र फेरो करो पर बाबा का जो चरित्र था ना अंदर से घरी घरी खेंच होती थी बाबा के चरित्र को देख करके सच्चाई को देख करके मान की अनसुनी दी बाबा में भले पैसा है ये कभी अपमान नहीं देखा तो इसलिए परीक्षाएं बहुत आई वो भी कहानियों में क्यों जाऊं पास्ट इज पास्ट परंतु एक बहन की कहानी इसलिए सुनाती हूं बाबा ने कहा ये अच्छी ज्ञान में जाएंगी इसका कोई करबंधन होगा मुझे थोड़ा सा डाउट उठा बाबा ने नहीं पहचाना मैं कैसी हूँ ये कैसी है मुझे अंदर है तो मैं जल्दी जल्दी ईश्वर को पाऊँ इसको लगा पर है तो मैं माया भी बन जाऊँ अच्छा भी लिखूँ अच्छी शादी वादी करूँ उसको तो ये और मेरे को बाबा कहता है ये तो थोड़ा सा थोड़ा सा उठा ड्रामा प्लान अनुसार करबंधन शुरू हो गया वो सरेंडर हो गई बाबा के पास बड़ी तेज तेज चली गई मैंने कहा कैसे बाबा ने सच बुलाया बाबा को पता था मेरे बंधन का पास करना है उसको नहीं पास करना था तो ड्रामा की जो कहानी है ना बड़ी वंडरफुल कहानी है बाबा ने जब जब जो शब्दोच्चारण किया होगा ना वंडरफुल पीछे पता चल रहा है पर तो हमने स्वीकार जो कल भी क्लास में बोला ना वहाँ स्वीकार बड़ा दिल से किया है बड़ा दिल से जो ये बाबा ने कहा ना सो हुआ आज भी जहाँ जो बैठे हुए हो ना आप सब बैठे हुए हो ना ये बाबा ने कहा था बच्चे आने वाले हैं ये होने वाला है कोई नहीं बात नहीं है आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों को दिया है चक्कर का ज्ञान दिया है कहते बताता कुछ नहीं हूँ पर करके दिखलाया है।, है क्या करना है क्या नहीं करना है तो फिर इस कहानी के बीच जब मैंने कहा बाबा बाबा पता था बच्ची कर बंदन है अंदर तो यहीं फथक रही है बुद्धि में बाबा बाबा है आ, का आँख डूबी मुझे कुछ चाहिए नहीं आ, और ये एक समझो मुझे कुछ नहीं चाहिए कभी इच्छा पैदा हुई नहीं है न संसार न मनुष्य चाहिए कोई साथी चाहिए न कोई पैसा चाहिए मनुष्य को झूठ पाप करता है पैसे और संबंध के लिए और कोई बात नहीं है तो भगवान ने मैं कहूँगी भगवान ने भाग्यवान हूँ भगवान ने अभी श्रीमत पर ऐसे चलाया है चौरासी जन्म वो काम में आई है झूठ किसके लिए बोलो और सच बोलने का जैसे अभी सुती घोट के पिलाई है ऐसी पिलाई है जो सच होने से ताकत है बहुत सच्चा रहने से ताकत है भगवान का प्यार है कभी बाबा से क्वेश्चन नहीं पूछा है अपने आप जवाब दिया होगा तो मेरे अंदर में प्रमेर को लक्ष्मणा के साथ बाबा ने संदेश भेजा बांधे ली थी छुट्टी नहीं कहाँ जाने की मैं कहती थी तो कहते थे यहाँ चल यार मगर जब सत्संग में जाने छुट्टी नहीं है तो मैं कोई कोई कहीं नहीं जाएंगी न कभी सिनेमा में गई ना कोई शादी पर गई ना किस मुझे कहाँ जाना ही नहीं है एक ही पक्का था पर दरवाज़े बंद थी कोई इनसे मिलने नहीं आ सकता मीठे बाबा ने क्या किया लक्ष्मणा के साथ संदेश भेजा पीछे के दरवाजे से आई आई खटिया पर से बैठी है वो घड़ी मेरे लिए इतनी सुंदर थी लौट शक्ति दे सपने क्यों बुलाया है ओम को पर दूसरा लौट शक्ति दे सपने क्यों बुलाया है ओम को उन्होंने को सुनाई नहीं पड़ा जो मेरे से कुछ बात नहीं कर सकती है पर मैंने सुन लिया चेहरा देख रही उसका बड़ा लाल लाल लौट शक्ति बाबा का जैसे संदेश लेके आई है चेहरा उसका लाल लाल मेरा चेहरा पीला पीला मेरा हाथ देखो अपना हाथ देखो मेरा हाथ अभी भी बहुत अच्छा है उन दिनों में हाथ बहुत पीला पीला उसका हाथ लाल लाल कान लाल लाल शुकुर लाल लाल उसको देखो वो तो तो बकरी हो गई लौट शक्ति दे सप क्यों बुलाया फिर लौट शक्ति दे सप क्यों बुलाया ओम को बस उसमें शक्ति आ गई है यह मेरे मीठे बाबा का संदेश शक्ति आ गई ऐसे बंधन टोरे जो कोई जब हर एक जब ये ऐसी क्या जाने हैं? बस जेल के दरवाजे खुल जाते हैं जैसे कृष्ण की कहानी है हा? कैसे जो जसोता वो नंद उसको टोकरी में लेके चला गया है ये बाबा मुझे कैसे खींच लिया तो हिसाब किताब आवे चुगतू कैसे करना चाहिए ये बाबा ने शक्ति बहुत बौद्धि अंदर सारा दिन रात है अंदर मुझे बाबा की याद शब्द भी है पर कहा मुझे लगाव है नहीं ना हो जावे मैं हार न खाऊं इतनी परीक्षा वो सोना ये है तुम्हारा फलाना ये है इज्जत बहुत मान बहुत बड़ा मेरे को कुछ नहीं चाहिए बड़ा चलामान करने के लिए फिर डोलामान करने के लिए परीक्षा आई इतने तक के, पर तो घबराई नहीं होंगी रोया नहीं होगा असुर नहीं कैसे का मन टूटेगा ये भी नहीं मीठे बाबा का आवाज़ लौट शक्ति तेज़ सब है बस वो शक्ति आ गई बाबा के पास पहुंच गई उसके पहले भी एक बार हम बाप के साथ पैदल जा रही थी दम तो सवेरे उठना सत्संग में जाना या करना आदत थी सवेरे उठने की सिंझों में कोई आदत नहीं थी हमको आदत थी जाना पैदल करना तो बाबा सामने ऐसे आ रहा है हम बाप के साथ ऐसे बाबा वाक करके आ रहा है तो बाबा को मैंने देखा बाबा ने मेरे को दृष्टि थी दृष्टि देखे मेरे को ऐसे लगा अभी समझ गया भगवान कौन है बाबा दिखाई नहीं पड़ा इतनी लाइट इतनी आकर्षण आई अभी अभी से मेरा भटकना पूरा हो गया वो सेकंड वो मिनट ये लौकिक बाप को आपने देखा कहा मैंने तो नहीं मैं कहा आप तो अंधे हैं आपने नहीं देखा कितनी लाइट थी बाबा में बस और अगर टूट गई एकदम जो आज बाबा ने कहा लौकिक लोक अलौकिक ये मेरा बाबा है ये लोकिक है बस लौकिक हो गया असुर जरा सा भी उसके बाद भान नहीं रहा ये मेरा बाप है उसको भी नहीं रहा ये मेरी बेटी है असुर नहीं मेरी बेटी समझ सकता मां ये कह नहीं सकती तो मेरी बेटी है इतनी वो पहचान इतनी ताकत आ गई वो कहने से पता नहीं उनमें ताकत ही नहीं थी मुझे बेटी करके कहे है इतने मीठे प्यारे बाबा के ईश्वरी कृष्ण जैसे आत्मा को ये अंतिम जन्म है तो गीता में जो पढ़ते थे ना बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश होता हूँ मैं जन्म भर में नहीं आता हूँ तो, तो तभी बाबा की थोड़ी मूल्यां सुनती थी कभी छोटा तो ये ये कहता है मेरा अंतिम जन्म है तो मेरा भी अंतिम जन्म है फिर उसके बाद जो भी बाबा के मुख से महावा के उच्चारण हो, होते थे मैं समझती थी गीता ज्ञान दाता मुझे सुना रहा है भागवत पढ़ती थी वो गोपियां कौन थी लगा वो मैं हूं कौन थी गोपियां वो मैं हूँ मैं उसके साथ हूँ पर आपस में सदा प्यार रहा है क्यों ये सब भगवान को प्यार करे ना जैसे मैं प्यार करती हूँ ना आज भी जैसे कल रात को डांस करे मेरे एक सेकंड में खुशी इतनी होती है सब खुशी में नाचे ना ये करते क्या है बाबा को लगता था कल पहली की स्मृति आती है ना भगवान है ना भगवान के साथ हूँ ना कितने मैं भाग्यवान हूँ आ, तो जो ये भी बस बाबा के पास आई जब ये तो पहले पहले जब मैं आई भाग करके आई ऐसे भाग करके आई जो उनको सब पता भी नहीं चला मैं कैसे आ गई बेचारे परेशान हो गए ये कभी कैसे चली गई तो बाबा साहब तो बाबा तब ये हमारे वहाँ कराची में सोल्जर बाज़ार में बेंच थे तभी कोई कार्पेट वगैरह ये पट में बैठ के बाबा बेंच थे स्कूल के जैसे बेंच थे तो यहाँ टेबल था यहाँ बोर्ड लगा रहता था तो बाबा उस गरी स्वास्थ्य का निकाल रहा था ये सतयुग है ये त्रेता है ये द्वापुर है ये कलयुग है पर ये संगम है पर ये है भगवान इस टाइम आता है ये समझा रहा है बोर्ड पर लिख करके ऐसे चाक से अच्छा समझा रहा है ये टाइम ऐसा है ये बाबा को विनाश का साक्षात्कार और विष्णु का साक्षात्कार तो ये जैसे कि लगता था ये विष्णु बाबा का तत्त्वम तू ये है जो साक्षात्कार करा है विनाशकाल आग दिख रहा है सब बाम से दिख रहा है सिविल वार दिख रहा है बाबा साक्षात्कार तो ये समय ऐसा है अब क्या करने का है पर मार ही चला रहा है दीवाली दूसरी नहीं आएगी दीवाली दूसरी सृष्टि चक्कर समझा रहा है थोड़ा बना रहा है जो है मेरे को तो बड़ा फिक्र लग गया दीवाली दूसरी नहीं मैं क्या करेंगे अभी ये सब डेढ़ साल हो गया था बंधन में ये सब पहले आ गए हमारी क्वीन मदर उसका बहुत बचपन से प्यार था तो कही जानकी ऐ जानकी जान तू तो आ गई आ गई आ गई अच्छा भग्यारी तू तो आ गई बड़ा तो तो प्यार किया पर कहा तुम तो मम्मा को देखा मैंने मैंने समझाया नहीं मम्मा कौन मम्मा को जानती थी पहले भी देखा पर इतनी मम्मा बदल गई उसको मम्मा कहते हैं मैंने समझा जसोता के लिए मम्मा कहते भाई उनसे तो मिली क्यों वो वो भी तो मेरे को दुख खुश हुई थी पीछे देखा मम्मा को देखा इतनी मामा में चीज इसको मम्मा कहने लगी है को माँ का दादी कहती है आई हो आई हो देखना ऐसा कल चल सकेंगी मैंने कहा वाह तू चल सकी है मैं चल नहीं सकेंगे <laughs> <laughs> स्कूल फेरस थे ना मैंने कहा नशा इतना चरा है आपको आप चल सकती हो मैनेजर से लक्ष्मण जो मेरे को संदेश देने के आई खुश हो गई आई 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 अच्छा अच्छा तो जब पहले समझाया मैंने कहा तो मैं सचू में इसकी दासी बनूँ तो भी अच्छा इतनी यह है दूसरे दिन मैंने कहा मैं दासी क्यों बनी मैं भी तो रानी बन सकती हो जब ये बाबा बाबा कह कर के अब मैं समझती हूँ इसका इतना चेहरा अच्छा चमक रहा है तो मैं समझती हूँ ये रानी बनेगी तो मैं भी तो पुरुषार्थ करके बन सकती हूँ जब जब कोई थोड़ा ख्याल ये आएगा ना थोड़ा तो नशे से ये कर से मैं नहीं कर सकती हूँ फिर मैं बाबा के पास गई क्लिफटन पर तो बाबा के पास जब कर पवन बहुत प्यार किया प्यार करके मेरे सिर पर ऐसे हाथ रखा सिर पर हाथ रखा कहा तो बच्ची तेरे जैसा सिर किसका नहीं है तो मत भर आया है तो वो जो सिर पर हाथ रखा अभी तक रखा है इसकी लाज रखनी है, है? क्योंकि कि कनी थी हमारी सखी उस स्कूल की फ्रेंड उसने मुझे कहा था जान की क्या सम्मति हो क्या लाइफ में करना है अभी वो सब पीछे पीछे नंबर बार पुरुषा अनुसार कहाँ गए कोई भी कहाँ गया लेकिन संदेश देने वाले हमारा शुभ हमारे लिए शुभ भावना रखने वाले कि कनी बोले सदा सोचना मुझे अमृत पीना पिलाना है अमृत पीना वो भूला ही नहीं रख दिया था चुटकी के अपने पास अमृत पीना पिलाना है तो अमृत कहाँ पिलाएंगे पिएंगे या हम घरा होंगा भक्ति में कहते थे हाँ घरा मटका सिर पर हो बजो राधे गोबिंद चलो हाँ तो ये जो मटका जो सिर पर रखा है तो इसकी लाज रखी है कभी मन में दिल में कोई ऐसी बात ना आए मेरा मथा खराब हो जाए या मैं किसका मथा खराब करूँ मेरे कारण बाबा इतना मेरे सिर पर लाज रखी है बस सिर पर हाथ रख सिर पर हाथ रखा है फिर मैंने बाबा को कहा बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूँ मैं बाबा लेट आई हूँ ना मम्मा को भी कहती थी मम्मा मुझे वैसे अच्छा लगता है सब अच्छा लगता है मुझे ड्रामा ये रिपीट होता है मेरे को नहीं अच्छा लगता है मम्मा मम्मा कहती थी जनक जनक देखो तुम ऐसा नहीं सोचो ना मम्मा मैं क्या बोलूँ आपको मैं फिर से लेट मुझे ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए फिर से मैं ऐसे करेंगी तो मैं कह फिर से तुम आ तो गई ना मम्मा ने एक बार बैठ के पाठ पका करके ये जो मुझे ड्रामा का जो ये मेरे लिए क्यों हुआ फिर क्यों हुआ बंद कर दिया पर एक तो दिवाली दूसरी नहीं आएंगी आज दिन तक एक दिन दिवाली दूसरी नहीं आएंगी जयंती प्रोग्राम बनाएंगी ये बनाएंगी अच्छा दिवाली दूसरी नहीं आएंगी ये बाबा की जो बोल है ना उसकी कमाल है पहले बोल जो कानों में आवाज आया फिर मैंने कहा बाबा मैं क्या करूं प्रसाद तो कहता है बारह बारी मुरली परो मैंने कहा चौबीस बार पड़ेगी दिल में वो दिनों में मुरली कोई ऐसे निकलती नहीं थी लिथो भी तो होता नहीं था बाबा जो लिखता था उसकी कापियाँ निकालते थे पर मैंने कहा परूँ बैठ करके, फिर बाबा ने एक बारी क्या किया मैं बाबा के बगुले में गई थी वो भी कहानी मैं बहुत ही सुनाती हूँ बड़ी वंडरफुल कहानी थी मेरे को अंदर में था कि मैं कैसे भी क्या करूँ बाबा के संग रहने का भाग्य मिले तो थोड़ा अच्छा पुरुषार्थ करूँ तो हम बगीचे में किकनी के साथ मेरी प्यारी सखी थी तो हम मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ क्या हूँ कैसी हूँ कैसे तेज से न्यारी हूँ तो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत अच्छा वो भी घरी मुझे बजाता है बिल्कुल शरीर से अलग हूँ ऐसे हूं। हम ऐसे दोनों बैठे हैं बिल्कुल ऐसे बैठे हैं बाबा बगीचे में सामने आ गया बाबा क्लिकम पर रहता था हम छः माइल दूर रहते थे बाबा आया बगी, सीधा बगीचे में आया हम दोनों को ऐसा देख पर से पकड़ के लेके आया फिर बैर आकर मुरली चलाई फिर बगीचे में बाबा बैठता था हमसे बैठ जाते थे मुरी चलाई मुरली पूरी किया पर मुझे कहता है बच्ची कार में बैठ जाओ सभी को अजब लगा कोई बाबा के साथ नहीं जाता था मेरे को कहा कार में बैठ जाओ जब कार में बैठ गई तो मेरे लिए तो बिल्कुल क्या समझो बाबा का कार बैठी जब बैठी कार में तो नशा चरा बाबा बाबा ने ये बाबा बहुत नाम इसलिए रखा है बाबा भवन नामे से ले रखा है जो बाबा के जो हमारी रूम है ना अंदर और दूसरी रूम है ना जहाँ हंसाबा तो बाबा के पे ऐसे थी बाबा का घर तो सागर दिखाई पड़ता था परंतु यहाँ बाबा की रूम नेक्स्ट रूम नेक्स्ट रूम में मैं सोई पड़ी थी पर सारी रात जो सोई थी न इतना नशा इतना नशा बस आज बाबा ने अपने पास बुलाया है मैं बाबा के पास सोई हूँ तो जितना घंटा रात को चार घंटा अभी भी कभी कभी मेरी रात ऐसी हो जाती है जैसे तो क्या होगा तो बाबा का जैसे मैं लाइट लाइट में हूँ खुशी बहुत पर थोड़ा अंदर से बाबा से क्या पूछेंगी बाबा से क्या बात करेंगी बाबा से तो कभी कोई पूछते दे भगवान से कैसे बात करें अरे मेरे से अक्ल सीखो भगवान से मैंने कैसे बातें की है बड़ी अच्छी बातें हुई है तो मैंने ऐसे फिर सुबह को तभी बाबा के जो रहते थे पांच सात लोग बाबा पाँच बजे बैठा हम सब बैठे थे ऐसी मुरली चलाई ऐसे चला रहा है ऐसे सुना रहा है सुन रही थी एक एक वर्ड छपता जाता था मैं सुना है पर पूछता है कि बच्ची कुछ कहना है मैंने पहले मेरा गला बंद कर दिया अभी कहते हो कुछ कहना है तो कहा तुम्हारे सामने भी कोई आएगा ना उसका गला बंद हो जाएगा वो दिन आज का दिन भगवानो वाच्य है मैं क्या जानू इतनी शक्ति उस घड़ी का जो वो बोल है वो दृश्य है ना वंडरफुल दृश्य है इतनी शक्ति भर दी इतना जो मुरली चलाई उसकी शक्ति जो भरी ना उसके बाद मेरे में इतना ये पावर आ गई कुछ भी बोलूँ ना बाबा ने कहा ना किसका गला बंद हो जाए कुछ बात नहीं कर सकेगा फिर सुबह को सुबह हुआ जब सुबह हुआ तो मैंने समझा विश्व किशोर की दादा की माँ थी अम्मी वो उसका भी प्यार सबका प्यार बहुत था जसोता का प्यार ब्रज का प्यार सबका प्यार जैसे मैं बाबा के पास हूँ तो मैंने समझा मैं नीचे सब्जी काटने में कुछ काम को मदद करती हूँ तो बाबा बाँ से ले करके ऊपर लेके आया बच्ची जो बाबा ने सुबह मूली चलाई ना लिखेंगी मैं बाबा ज़रूर लिखेगी वर्ड बाय वर्ड लिखा बाबा को दिया बाबा ने प्यार किया बहुत प्यार किया सारी उम्र ये डायरी पेंसर भी मेरे हाथ में देखते हो ये जो काल ऑफ टाइम में शुरू किया है कभी नहीं हाथ में उठाई बत्तीस पेज तीस पेज छ महीना हम खटिया पर नहीं सोई रात को हमारा स्कूल का क्लास के बेंच थे ना तो कान से करके थोड़ी नींद करके फिर बैठ के लिखती थी बाबा ने ये मुड़ी चलाई कोई वर्ड मिस नहीं होता था बाबा ने ये सुना है फिर चलते फिरते और फिर बाबा का क्या होता था जो भी हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या ऑटोमेटिक हुआ है सुबह को मोली चलाएंगा चौबीस घंटा उसको गहराई में लेके जाएगा, जहाँ भी बात करेंगे कुछ भी बोलेगा उसकी गहराई बताता जाएगा चौबीस घंटा पूरा दूसरे दिन पर दूसरी बात सुनाएगा, ये कैच करती थी बाबा करता कैसे है, कितना गहराई में लेके जाता है हाँ दृष्टि ऐसे देता है ऐसे नहीं दे रहा है ऐसे दे रहा है। इस, इसको करंट आ रही है हम अ शरीर हो गए समझेगा ठीक है बुद्धि इधर उधर गई फिर ध्यान खेचेगा फिर मुली चलाएगा फिर वो प्रैक्टिकल वो देखेगा कैच करते बुद्धि तब भी बाबा ने कहा था बच्ची शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए इसको सोच रखो बोले पर एक बारी जब मैं बाबा की बोली चलती थी ना पता और कुछ नहीं था बुद्धि में इसलिए किसी के भी भले कैसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाली हो कैसी भी आत्माएं हो सबने प्यार किया होगा क्यों उसको मूली सुनाई होगी कुछ अच्छी बाबा की बातें सुनाई होंगी सारी लाइफ के अंदर और कुछ सुनने आता नहीं है सुनाने भी आता नहीं है बाबा ने सिखाया बच्ची वो कलब पहले वाली हो जो पुरुषार्थ करेंगे मुझे गीता के भी शब्द अच्छे लगते थे पर प्रैक्टिकल भी देखा जो करता अपने लिए करता है जैसा बीज बोएंगे फल खाएंगे पर जैसे कर्म करेंगे ऐसा तुमको देख और करेंगे भगवान को कर्म करने की जरूरत नहीं है पर कर्म करके हमको सिखला रहा है तो ये प्रैक्टिकली हर कर्म बाबा को देखती थी ना हर कर्म में ऐसा कर्म करता है जो हम अंधा अंधे भी रहे ना तो भी सीख सकते हैं ना अनपढ़ रहे तो भी सीख सकते हैं ना कर्म करके सिखला रहा है ना उठना भी सिखला रहा है खाना भी सिखला रहा है चलना भी सिखला रहा है तो बाबा जब सिखला रहा है तो एक बारी मम्मा ने कहा तुम तो बाबा ने जो मूली चलाई तुम तो सुनाएगी अभी मम्मा के समय कुछ पर मम्मा कहती है आकर बैठी किसी को भी कोई दादी को किसी को नहीं होता था मम्मा बाबा ने ये सुनाया बाबा ने ये सुनाया बाबा ने ये सुनाया तब से मीठी मम्मा का मेरे से बहुत प्यार हो गया बहुत प्यार हुआ पर क्या था पर हमारा बेबी बॉर्न था जहाँ बच्चों को हम संभालते थे आपको पता है जब मैं आई ज्ञान में तो मैंने समझा मैं मम्मा के साथ रहेंगी जहाँ सबको मारा रही परी कुमार का दादी पंत मुझे मिला डर तो, तो जहाँ बत्तीस बच्चे रहे पर बात बच्चे छोड़ के गई और नवनंद जो एक माता थी बड़ी तेज रफ्तार उसके साथ कोई नहीं रह सकता था उनके साथ उनको रखना है हमारी कमर सुंदरी और भूरी दादी ये सब में थे मेरी सखियाँ थी उनको तरस पड़ा बाबा ने इसको वहाँ रखा है बेचारी ये क्या जाने गुगदाम वो उसके साथ कोई ना रहे बड़ा स्त्री पर्सनालिटी उसकी आवाज़ ऐसा जो शरीर कहाँ ऐसा अच्छा थी उसमें तो बाबा ने रखा ममा को मैंने कहा ऐसे रात को ये हमारा किक्कू आता है ना उसका बाप दादा दहराम उसका बहुत प्यार था वो भी समझता था इसका कुछ करना चाहिए बेचारी का रात को दस बजे आया जानकी मामा के बंगले में चलेंगी वो ड्राइव करता था मामा के पास लेके गया वो भी सीन अच्छी थी बहुत मामा के पास रात को गई तो मामा ने बैठी थी कहा जानकी आई हो मैंने कहा ऊपर सीधी मामा के पास तो मामा आपने मुझे वहाँ क्यों रखा है थोड़ा सा तो कहा तुम जनक हो ना तुमको तो ये क्वेश्चन क्यों उठा वहां क्यों रखा धन आज का दिन। कभी ख्याल आया ही नहीं कहा क्यों रखा जो आ, कल मैंने परसों, कल परसों से लेकर हर एक को अज मैं कुछ कहती नहीं हूं आपका जवाब तैयार है मैंने उम्र में सब कब कहा ही नहीं है आ, कल रियली पूरा दो साल वहां रही बहुत तो उन्नति हुई बच्चों को बत्तीस बच्चों को संभालना बड़े ऑर्डर में बड़े बच्चे अच्छे इतने अच्छे जो अभी वो गोविंद और हमारा जो पुणे वाला ये मोहन वगैरह सब है, है बचपन की पालना ली है कैसे याद में बैठो कैसे खाना खाओ बाबा कहे कभी गुस्सा नहीं करना इन बच्चों को नहीं बाबा बच्चे भूल करे ना कहना उखरी से जैसे कृष्ण को बांधा था ना थोड़ा रस्सी से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बांध लेना थोड़ा पर ऐसे हाथ नहीं लगाना उसको कहना टोली तुमको नहीं मिलेंगी बस या खाना नहीं मिलेगा ऐसे बच्चों को संभालने का जो मैं एक बच्चा भी संभालने का मैं कर, मैं क्या करेंगी बाबा अच्छा ऐसे भल्ला दूसरा मुरली के लिए बहुत प्यार वहाँ थोड़े कुमार का दादी जहाँ वहां जहाँ मेरे वहाँ किसको सुनाएगी जो आए उसको सुनाओ जो आए सुनाओ। तो बाबा आया बाबा एक जगह से मूली चला के दूसरी जगह का जनक तुमने वहाँ सुना था बाबा के मैंने कहा बाबा सुना था यहाँ बैठो सुनाओ बाबा यहाँ बैठा है मैं बाबा के बाजू में मुझे बिठाया तो अंदर से आया ये बाबा होशार है बहुत ऐसे मुझे तो मैंने कहा मैं बोल देगी कुछ पर बाबा पे बोलेगा तो बाबा ने क्या किया पर मुझे बिठाया बाबा के बाजू बैठे ना तो कभी मम्मा भी नहीं बैठी थी बाबा के बाजू बैठ के मम्मा मूली चलावे मैं बैठी मैंने कहा बाबा ने ये बोला बाबा ने बस मैंने ये बोला तो बाबा खुश हो गया इतना बोल बाबा ने ये बोला बाबा बाबा खुश हो गया फिर बाबा ने बताया चलाई मुरली मूली चलाई तो फिर सदा के लिए बाबा को इतना प्यार हो गया जो कभी भी हमने सेवा के लिए या मुरली चलना बाबा के बोल है मुख से सुना ना है ना, कभी ना नहीं किया होगा नेवर इसलिए हमारे अंदर खोल के देखेंगे ना, कोई भी घड़ी ऐसा घंटा या मिनट या नहीं होगा, जो बाबा के बोल मुझे याद ना आवे बातें भूल जाएंगी जयंती को मेहनत करनी पड़ती है मेरे को फिर से याद दिलाने के लिए कोई बात है। इन लोगों को मेहनत करने तो बताया था ना अरे बहन मुझे भूल गया तो बाबा की बात नहीं भूलेंगी कोई नहीं भूलेंगे किसी भी कोई मैं पूछो ना एक एक बात स्त्री वंडरफुल याद आएंगी बाबा का चेहरा और बोल और बाबा में मेरे तीनों बाबा है साकार भी है अव्यक्त भी है निराकार भी है तो नारायण भी है चार है पर्सनलिटी जो इसकी है ना है चारों एक चारों एक है भले कहे शिव बाबा परमधाम वासी है ये ब्रह्मा चक्र में आने वाला है वो जाने उसकी काम जाने हमने तो इनमें चारों को देखा ना साकार में निराकार को देखा साकार द्वारा भवशल नारायण को देखा और फिर इसको ही फिश्ता बनता हुआ देखा अव्यक्तता देखा तो जैसे देखा है जाना है ऐसे ही अनुभव किया है तो उसमें एक बारी ब्रिज कोठी में थे तो कमल सुंदरी देवता ट्रांस में जाती थी वो ट्रांस में बाबा को देखती थी बाबा खट्टिया पर ऐसे बैठा है सवेरे का टाइम है मैं बाबा के पास ऐसे बैठूँ ये यहाँ खड़ी है मैं यहाँ खड़ी हूँ वो बाबा को वहाँ देख फिर इसको देखे वहाँ देखे फिर इसको देखे मूंझ रही थी ये कौन है वो कौन है तो वो तो वहाँ तो बहुत चमकीला है यहाँ भी बाबा ने चमकीला रूप धारण कर लिया ऐसा चमकीला इतना ट्रांसपेरेंट इतना बाबा चमक रहा था तो वो हम यहाँ अनुभव कर रही थी वो बेचारी बात थे तो मैंने कहा बाबा इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो <laughs> का देखो ना बेचारी कैसे समझे तो मैंने मैंने कहा अच्छी समझा मैंने कहा वो ट्रांस में जाने वाली मैं यहाँ आंखों से देखने वाली ये यहाँ कितना चमकीला है तो बाबा को सदा ये अपना जो फिश्ता रूप अव्यक्त रूप है ना सदा साकार में होते हुए अव्यक्ति रूप से हमारी कैसे पालना की है जो कल जैसे सुनाया पैदल कर रही हूँ पीछे आगे मैं हूँ पीछे बाबा है अभी तक भी अनुभव ये है मेरे पीछे पीछे बाबा है कहाँ भी जाएंगे मेरे पीछे पीछे बाबा है जैसे बैकपोन मेरा बाबा है पीछे पीछे, पीछे बाबा है मैं आगे आगे जाए मैं पीछे जाए मैं कहती थी बाबा आप आगे जाएंगे ना मैं पीछे नहीं चल सकूं तो इसलिए मैं बाबा आगे चलेंगे पीछे रह जाऊँ तो ये भी अनुभव जो किया है पैदल करते भी बाबा के साथ जरा सा भी पीछे जाएंगे ना, बाबा को ओना हो जाता था मैं आगे चली जाएंगे वो जो करा अबू में जो पैदल करते जो भले दमा था कैसा भी था परंतु सुख इतना मिला इतना सुख मिला बाबा यहाँ जा रहा है मैं पीछे पीछे भले सब बहन सब पीछे पीछे पर मैं आगे जरूर जाएंगी उसकी जो सपोर्ट है ना ताकत है ना आज दिन तक वो ताकत चला रही है एक सिर्फ है एक ये भी ध्यान रहा है ये संगम युग की घड़िया जो है ना जो बाबा को मैंने कहा बाबा एक बारी देखा तो मधुबन में हम बैठे हैं तो बाबा के पास आते हैं तो बाबा सामने बहुत प्यार करता है पर जाते तो याद ही नहीं करता भूल जाता सामने इतना प्यार करेगा जैसे हमारे जैसा किसी को करता ही नहीं है जब चले जाते हैं शेवा पर तो याद भी, पर अपनी मस्ती में मस्त बाबा तो मैंने कहा बाबा आप करते क्या हो सामने इतना प्यार करते हो और जब चले जाते हैं तो याद भी नहीं करते हो मैं क्यों याद करूं याद उनको करना है मैं तो याद बाबा को करूंगा जिसमें मेरे नाश होंगे मैं इनको क्यों याद करूं अच्छे अच्छे बच्चे कुमार का जैसी फलानी जैसी प्याय प्यार करता है, याद भी नहीं करता है पर मैंने कहा बाबा हमको भी ऐसे करता है ताप? मैं बाबा ये नहीं करेगी मैं आपको याद करूं ना करूं आपको याद करना पड़ेगा रूबरू बहुत प्यार से कहा मैंने कहा बाबा ये आप जो करते हो ना मेरे से नहीं सहनूँगा तो अंदर से कहती थी समझो तो इतना बाबा मुझे प्यार से याद करे जो और कोई इसको याद ना है, मेरी याद जरूर आए बाबा को तो इसलिए अंदर से इतनी थी कम से कम याद तो करें ना उसका काम है ना पर अंदर से आता था तभी याद करेगा जो ये अंदर पक्का शब्द कर लिया था सुपूत बन सबूत देना मेरा काम है बहुत पुराना शब्द है मेरे दिल का सुपूत बन सबूत देना ये मेरा काम सुबह से लेकर रात्रि तक हर सेकंड हर मन में सबूत क्या दूँ कितना ऊंचा बनाने चाहता है उतना ऊंचा हम न बनेंगे तो कौन बनेगा तो ये अंदर मैं बनूँगी कभी ख़्याल नहीं आया होगा, मैं नहीं बन सकती हूँ सो भी आपको बताया एक बार ख्याल आया बाम्बे में थी बाबा बा, 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 मरीन ड्राइव पर कोई बंग फ्लैट में ठहरा हुआ था फिर मैं सागर के किनारे पर सागर तब देख कर देख करके मैं कह रही हूँ बाबा आप भले मेरे कितनी उम्मीद रखते हो मैं ऐसी नहीं बन सकेंगे ऐसे करके रो रही हूँ आंखों से आंसू पा रही हूँ, सागर से बात कर रही हूँ। बाबा अपने कमरे से उठ के पीछे मेरे पीछे ऐसे ऐसे करके कहता है मैं तुमको क्या समझता हूँ तुम क्या सोचती हो मैं सागर से बात कर रही, बाबा सर बात कर रही थी <laughs> बाबा के सामने कह नहीं सकती थी मैं तुमको क्या समझता? मैं तुमको नंबर दो तीन में समझता हूँ फिर बाबा को दृष्टि दिया फिर प्यार से गले लगा के आया अच्छा मैंने कहा समझा बाबा मुझे ऐसे देखता है तो ऐसे मैं बाबा को ज़रूर कभी उसके बाद ये ख्याल नहीं आया होगा मैं नहीं बन सकेंगे जब बाबा ने मेरे में विश्वास रखा है तो मेरा काम है भगवान मेरे में विश्वास रखे उसमें ड्रामा प्लान अनुसार तीन बातों ने मदद की है बहुत मदद की है गुणों में कहेंगे हिम्मत बहुत है किसी हालत में हिम्मत नहीं छोड़ी है दूसरा सच्चाई की शक्ति है इतनी शक्ति है जो आज दिन तक सच्चाई चला रही है भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट दिया है बच्ची तो सच्चाई हो सच चलती चल चलती चल सब अच्छा चल, चलती चल सब अच्छा होगा बस चलती चल ओ वो सब सब वो सब खा रहे है तीसरा धीरज रखो घबराओ नहीं धीरज धीरज रख। कैसी बात आ जाए जैसे बाबा धीरज रहा है बाबा का हाथ ऐसे है धीरे तो ये जो बापा का हाथ है ऐसे है ना धीरे धर धीरे सदा ही अनुभव में है कुछ भी बात है एक बारी बाबा को मैंने कहा बाबा पुणे में आने वाला था पुणे में तीन चार वर, तीन बारी आया था तो जिस बंगले में बुलाना था बाबा को तो बाबा सच्चा कैसे बनाता है बाबा के पास सब बातें कैसे पहुंचाती है बंगला था खाटाओ बंगलों वाला मिल वाले का बंगला बम्बे जगह था बाबा ऐसे बंगले में आवे बंगला बहुत अच्छा है तो साला को भेजा था बाबे में किसको बताना नहीं पर उस मिल वाले से बात करके आओ उसने हाँ कह दिया था बंगला तो मा, मालिक ने तो हाँ कर दिया था सब अब तैयारी भी कर ली थी पर क्या था माली के पेट में थोड़ा दर्द हुआ यानी कुछ मुझे मिलना चाहिए मैंने मालिक से दो सौ रुपया दे करके चाबी ली थी दो सौ रुपया दिया चलो चाबी देवे हम सब सारी तैयारी कर ली थी खाना भी बन गया था शाम को सब आने वाले हैं सब आने वाले हैं बाबा का फोन ही नहीं आवे बाबा भाई निकला है कार में आने वाला था फोन करूँ शील के पास पुष्प के पास वहाँ फ़ोन करूं कहाँ से फ़ोन कर सब बाबा के पास थे ड्रामानुसार बाबा का ही टेलीफोन कोई लाइन नहीं चल रही थी आकर टेलीफोन वाली से पूछा भाई टेलीफोन कहाँ यहाँ है तो कहा की लाइन नहीं चल रही है फिर वहाँ से मैसेज मिला बाबा नहीं आ रहा है बाबा नहीं आ रहा है कैसे नहीं आएगा बाबा तो फिर बाबा ने कहा बाबा नहीं आएगा बाबा पाँच बजे पहुंचने वाला है पर मैं तीन बजे के ट्रेन में चढ़ के बाबा के पास गई तो बाबा के पास गई जाकर बाबा के पास बैठी मैंने कहा बाबा आप नहीं आए सब क्या कहेंगे सबको बहुत फीलिंग आया कहा तेरे को फीलिंग आई है तेरे को आई है मैंने कहा आप तो कहेंगे ड्रामा जो आंख दिखाई बाबा ने समझ इसमें कल्याण होगा ड्रामा के इतना अच्छा प्यार कल्याण हो सकता है पता नहीं एक्सीडेंट हो गया हो जाता था तो इसमें कल्याण है एक तो कहा तुमको फीलिंग आई तो मैं कभी नहीं कह सकती उन को आई है तेरे को आई है फिर दूसरे दिन पूछता है मेरे से भूल हुई थी मैंने दो सौ रुपया दिया था मालिक को गलती किया तुमने जो आज जब क्वेश्चन पूछा ना अच्छा किया बाबा ने किया ये तुम नहीं दे सकती हो ये कार से बाबा नहीं आया इतना बाबा ने सच सकाया तब से लेकर कब भी मैं ऐसे दो सौ रुपया एक सौ रुपया एक पाउंड भी नहीं देंगी किसको रिश्वत बच्ची वो क्या समझेगा ये भी ऐसे करती है नहीं दे सकती। कहाँ बड़ी बात हो रही है खर्ची पीछे भले ज़रूर दे भले दे उसको मालिक को ऐसे पैसा दे करके जो किया रंग किया ये सिक्ख है इस बाबा से तो हम इतनी बाबा के चरित्र इतनी बाबा की शिक्षाएं इतना अंदर है हम हम कहते हैं, हम सच्चे रहेंगे ना इंग्लैंड के शहर में आप झंडा लहरा के बैठे हुए हो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है इंडिया में भी कहाँ नहीं लगा हुआ है सारे विश्व में नहीं लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारी पर यूनिवर्सिटी लगा पड़ा है किसकी कमाल है उसकी कमाल है कहाँ है सरकार कहाँ है गवर्नमेंट कहाँ है फिर कोई कुछ नहीं कर सकता पांडव जीते कौरव हारे इतनी बाबा ने सच्चाई जो सिखाई है ना हाँ एक बारी मैं कुछ सेवा का निमंत्रण आया था इंडिया में मेरे पास अट्ठारह रुपया नहीं था किराया खर्च कर मैं जाऊँ उस शहर में तो मैंने वो अवॉइड किया निमंत्रण तो बाबा ने कहा तो तुम तो क्यों नहीं गई मैं कहा अट्ठारह था नहीं था खाना खाया था था। कभी सेवा का बुलावा हो ना नहीं करना चाहिए वो दिन आज का दिन आज भी कुछ कोई किराए दे अरे किराए बुला कर सोरो शिवा का बुलाया है, जाओ पर ऐसे भी अनुभव अनेक का है बाबा कहेंगा जाओ फलान जगह किसको बताना नहीं मैं फलान जगह जा रही हूँ उसमें एक कोई आत्मा को बाबा को उधार करना था बॉम्बे हॉस्पिटल में था बाबा ने अबू से कहा मधुबन से कहा जांच करो वो जो बच्चा है ना बाबा को उस आत्मा को ऐसे खींचना था ताकि वो माया भी न बन जाए अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ था तो जांच करो बॉम्बे में कौन सी हॉस्पिटल में कौन से फ्लैट में ठहरा हुआ है किसको बताना नहीं उसको मिलने जा रही हो बाबा ने उसके लिए पत्र लिखा टोली दिया जाओ बच्चे को बोलो बाबा ने तुम्हारे दिया सीधा ऊपर पता नहीं कौन सी मंजिल थी सीधे उसके बेड पर पहुंची मैंने कहा ये बाबा तुम्हारे क्या 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 बाबा ने मेरे लिए दिया है मैंने बाबा ने दे दिया तू तो कौन है मैंने कहा मैं बाबा आई थी बाबे बाबा ने खास कहा मेरे बच्चे को दे देना पर मैंने बाबे में किसको बताया नहीं मैं इनसे मिल के आई हूँ कुछ समय के बाद बाबा आया बाबे बॉम्बे में बाबा से मिलने आया बाबा ने कहा मेरा ऋषि बचाया कहता ऐसी सेवाएं कराई जाओ तुम दिखाना नहीं मैं कौन हूं बाबा का संदेश दे के आ जाओ तो जब कहते ना बाबा का संदेश दो तो उस करिए हम अपने नाम रूप को भूल जाए जो बाबा का संदेश है ना जो बाबा का है ना दिया भूलेगा नहीं उसकी इतनी अच्छी गति हुई बात बात पूछो ऐसे सेवाएं कराते बाबा ने सिर्फ इसमें और कोई बात नहीं है वाई पड़ा है होने वाला है बाबा ने निमित बनाया है हमको हाँ जी कहना है जो परसों जैसे यूरोप वालों को कद पताया मेरे को बहुत मीठा मीठा बोल बाबा का उस दिन बोलते मेरे ख्याल सौ बारी बात ज़्यादा आई होंगी उस करे मैंने कहा बाबा संदेशी तो हूँ नहीं कभी भी कुछ हो जाए बाबा बच्चे तुमने सारी जीवन हाँ जी किया है ना बाप तुम्हारे सामने हाजिर होगा आप समझो कितना कांट बड़ा अच्छी जिम्मेवारी उठा दी है गिजी क्या सम्मति हो तुम तो जी किया है ना बाप हाजिर हो जाएगा हाजिर है हमको हाजुरी भरना है हमको कभी भी एबसेंट मार्क नहीं डालनी है अपसेट नहीं होना है जयंती कल अजब लगा वो लड़की कहती है इन जी तुम्हारी कैसे जो प्रेज में रहती हो वंडर है एक बारी लड़की मिली है हमारे से भाई इन जी कहाँ से आती है तुम सदा प्रेजेंट में रहती हो ना यानी तो थोड़ा भी अपसेट हुए ना बाबा को अच्छा नहीं लगेगा कोई सेवा बाबा ने इशारा दिया ना कैसे होंगी कभी कहा ही नहीं है बस चंपल पहना गई हो गया पैसा कहाँ से आया फारा कहाँ से आया अपे आया पैसा भी आया चीज़ भी आई जन्माष्टमी भी आ रही है आने वाली है जन्माष्टमी का दिन था बाबा बाम्बे में था बच्ची मैं कभी मार्केट वगैरह नहीं जानती इतना बड़ा सीताफल होना चाहिए जिसकी एक एक गरी इतनी अच्छी बढ़िया हुए है अच्छा बाबा गई करा फिर मार्केट में कुदरती इतना बड़ा सीताफल रखा था जैसे बाबा ने बोला सारे जो सीताफल का उनका टोकरा था सब लेके आई मैंने कहा हमारे बाबा को ये सबको जन्माष्टमी के दिन खिलाना है कहा क्या पैसा मैंने कहा जितना चाहिए कहा पैसा वगैरह क्या है लेके जाओ सारा इतना बड़ा टोकरा लेके आए इतना बड़ा सीताफल बाबा खिलाया होना चाहिए बच्ची गई तो रखा ही है मार्केट में रखा है दिल्ली में पत्र लिखता है जितना तेरा माथा बड़ा है ना उतना संतरा होना चाहिए तो गई सब मंडी में बड़ा मत संतरा रखा था बड़ा उसके एक एक पार्टी मीठा संतरा अच्छा टोकरा लेके बाबा के पास लेके आई हुआ पड़ा ये तो ऐसे मैं कहती हूं ईश्वर क्या होता है उसके एक एक बात का देखो ना हुआ ही पड़ा है हो जाता है ये कैसे हुआ तो बाबा बॉम्बे में था तो बाबा जा रहा था मधुबन तो मेरे को बड़ा था बाबा साहब दो तीन महीना रही थी बाबा मधुबन चला जाता है मैं अकेली कैसे रहेंगी क्या करेंगी बाबा ने कहा नहीं तुमको यहाँ रहना पड़ेगा मम्मा मैंने भी मधुबन से प्रोग्राम दिया था तुमको रहना पड़ेगा तुमको क्यों सेवा अच्छी हो गई थी बाबा के होते पर तो मैंने लौकिक माँ को कहा क्या करना एक मेरे तभी सेंटिमेंट नहीं था तो एक कपड़े की थैली में मेरी की थैली ड्रेस रख देना इस्ट, स्टेशन पर आओ ना लेके आना बाबा ट्रेन में बैठा है विश्वकसर बैठा है और भी कोई थे शायद तो ट्रेन चल रही है बाबा कहते बच्ची आएंगी क्या मैंने कहा थैली ले ली बैठ गई ट्रेन में थोड़ा जब स्टेशन आई मैं डरी मैं बाबा मामा कहेंगी तुम क्यों आई कहा मैं कह दूंगा बच्ची को कल रवाना कर दूंगा इतना दिल को असल वंदरफुल है मुझे बिठा दिया चलती ट्रेन चल रही है असल एकदम टिकट भी नहीं थी तो किशोर ने स्टेशन मास्टर को कहा भाई इसकी टिकट दे दो ये है मेरा बाबा तो मम्मा ने आंख दिखाई मम्मा आई थी नीचे बाबा को लेने के लिए मैंने कहा मम्मा मुझे बाबा लेके आया है ममा आज्ञा बारिपन रहना था मम्मा पापा लेके आया है फिर बाबा ने प्यार से इतना मत बने प्यार किया फिर बांबे भेज दिया आए, ऐसे क्या बताऊँ बहुत मेरे से युक्ति युक्तियाँ की है तो मैं कभी अपसेट ना हो जाऊँ कभी नहीं मेरा अपन में विश्वास भी था पर इतना विश्वास तो नहीं था मैं कुमार का जैसी को भाषण कर सकती हूँ या गंगा मनोर जैसी को भाषण गंगा मनोर रतन में मशहूर थी भाषण करने में तो उस दिनों में गंगा कानपुर में थी बड़ी महात्माओं के साधुओं के भाषण और कुमार का दादी थी कलकत्ता में वहाँ से गोबिंद भाई ने टिकट लेकर जापान भेज दिया उसको रत्न में चली गई जापान तो अमृत सरकार ने आया बड़ा सात दस हजार जनता होंगी ढाई सौ महात्माएँ होंगे उसमें भाषण का प्रोग्राम तभी तो मैं सौ के बीच में भाषण नहीं किया था तो बाबा ने पत्र लिखा जनक जा सकती है मैंने कहा अच्छा तो अमृतसर गई तो उन्होंने कहा तुम तो खाने पीने का हमारे साधुओं का बड़ा खाना बनेगा बड़ा वो घी के मैंने कहा वो मैंने वो मैं खाएंगी समझा तो वो हम गई तो अढ़ाई सौ महात्माएँ दस हजार जनता महात्माएँ बड़े बड़े उनके बीच में मैं बैठूं भाषण करूं पर ताकत आई इनकी तो माँ मैं हूँ <laughs> इनको भी जन्मदिन वाला कौन बाबा ने इतना माताओं को आगे रखा है इतना नशा इतना चरा बात मत पूछो जो भी सन्यासी महात्माओं के पास कोई जावे तो बेटा रखनी पड़े कुछ भोग रखना पड़े फलाना रखना पड़े कुछ सुनावे तो नहीं हमारे पास कोई आवे तो कुछ कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाती रहूँ ज्ञान सुनाती रहूँ ज्ञान सुना तो निर्मल स्वामी स्वयं आता था कहता था तो ये तुम्हारे पास सारा दिन सारा तुम सारा थकती नहीं हो गया मैं कहा आई हूँ कुछ समय पर खाती क्या हो मैंने कहा उसका जो पिस, पिस, स्वामी गद्दी पर आया वो था चौदह साल का लड़का वो सब कुछ लेके आता था आटा ता, पटाटा दाल फलाना टीरा तो मैं आटा थोड़ा लेती थी एक दो पटाटा लेती थी ये करती थी सिगरी जला के रखे जाता था खाना बना के खा के जो कोई आता था उसको एक रोटी सब्जी खिला देती दे थी उससे अमृतसर का सेंटर खोला ये अचल राज ये सब है ना वहाँ से निकली है परंतु पर जब भाषण करती थी तो नशा इतना जाता था ये सब साधु महात्मा है पर मुझे ये कहा वेदों के खिलाफ नहीं बोलना मैंने कहा नहीं स्वामी जी वेदों का सार तो सुना सकती हूँ ना वेदों का सार क्या है वो तो सुना सकती हो पर पर सुना करके कहती थे तो मैं संभाल की थी बोल कुदरती अच्छे नहीं करते पर वंडर ये हुआ जिस दिन बड़ा भाषण करना था उस घड़ी जो भाषण हुआ तीसरे दिन छः पेज बाबा का लंबा लम्बा इतना लिखत में आया तीसरे दिन भाषण पहले हो चुका सारी बुद्धि जो में लटकी पड़ी थी बाबा ने जो प्रेरणा से भेजा है वंडर था ये बड़े बड़े हरियाणा बड़ा महात्मा था जो मुझे सिंध में जानता था तो तू क्यों दादा के पास गई मैंने कहा स्वामी जी इतने से चेले बैठे सब आपने अच्छा हमको समझाया बड़े अच्छे पर मैं हमको जो बाबा ने पालना दिया है सारे गीता ज्ञान का सार समझा करके प्रैक्टिकली मन कर्म में जो जीत तो है हमारा मन शांत तो है भटकता तो नहीं है ईश्वर का ध्यान कैसे करूं ध्यान तो लगा हुआ है शांति से रहे इतना बाबा ने न सिर्फ ज्ञान दिया है पर सच्चाई के समझ दिए शक्ति दिए इतना वो दिन आज का दिन कोई महात्मा हो साधु हो कोई भी हो समझा सच सुनाओ ना हर एक मानता है सिख धर्म को सुनाओ चाहे ईसाई को सुनाओ या मुसलमान को सुनाओ सब पिताओं का पिता है सबका पिता एक है अच्छा और भी बस बस एक घंटा ज़्यादा हो गया हाँ बाकी हाँ ठीक ओके हो गया बाकी ओम की धुनी तो ऐसी है ओम शांति करो तो मेरे को बाबा ने ओम शांति भी ऐसा सिखाया है सेकंड में करो ओम शांति बोलो ओम शांति सुनो ओम शांति देखो ओम शांति तो शांति 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 तो एक बताया ना सहनशीलता हिम्मत और धीरज तीन गुण बाबा के गुणों को धारण करके शक्ति दे रहे हैं वो शक्ति बाबा की चला रही है औरों को शक्ति मुझे चला रही है औरों को बाबा की शक्ति मिल रही है ओम शांति थैंक यू आज का भी ये ड्रामा नू दावा था हुं? अभी एक अच्छी कहानी और है मास की जो कहानियाँ चार सुनाती हूँ ना तो बाबा कैसे कहता है योग क्या चीज है तो बिल्कुल मैंने समझा बाबा क्यों कहता है तुम्हारा योग नहीं है फरसे दिकाश से, से रही है इतना ध्यान बाबा का है बैठा है बात कर रहा है साइलेंस में खींच रहा है दूसरा बाबा की ये बात जो सुनाई बात किसी और की तुम्हारा चेहरा से क्यों हुआ है दीदी को बोला तुम बात दूसरी तुम्हारे चेहरे पर क्यों आई है वो दिन किसकी भी बात हमारे चेहरे पर आई माना यानी बाबा की याद नहीं रहेंगी न मेरी पर्सनैलिटी रहेगी उसकी पर्सनैलिटी मेरे पास आ गई ये बात मुझे इतनी बाबा ने जैसे दीदी का ध्यान खेंच पर मेरे ध्यान पर बहुत आई कोई बात मुझे अच्छी न लगी मुझे अच्छा नहीं लगता ये भी मेरे चेहरे पर आया कभी भी चेहरा हमारा चेंज न होवे बाबा ने अपने फेस का बड़ा ध्यान रखा है सद्दा देखो सिक्सटी ईयर्स एज में बाबा शिव बाबा आया है नाइन्टी थ्री एज में शरीर दे त्याग किया है फेस ये रहा है हॉस्पिटल में बाबा को दो तीन फेस ये रहा होगा। कोई बात फेस पर नहीं आई होंगे बाबा के हॉस्पिटल में ठहरा हुआ है ऑपरेशन करा के थिएटर से आया है या हम चादर के नीचे ब्लड पर आया है फेस ऐसा आज बाबा ने मूली नहीं चलाई है टेबल रखा बाबा के सामने छः बज मुरली लिखी उस घड़ी विश्वरतन को रात को ट्रेन में भेजा मामा को सुबह को मुरली मिले सबको सुनाए इसलिए मैं मुरली के मेरी जान है ऑपरेशन करा के थिएटर से आया है बाबा ने मुरली नहीं चलाई है इतना हम बच्चों के लिए बाबा को खाना देने के लिए और हम मुरली का कदर ना करें कोई नोट्स ले रहा था नोट्स चूने रही हो तो बाबा फलानी को भेजना है तो कहा तुम नहीं सुन रही हो औरों को भेजने उसकी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि उसमें लगी पड़ी है जिसको भेजना है ना उसके लिए लिख रही हो अपने लिए लिख रही हो कितना ध्यान खींचवाया होगा जो बोला होगा एक बार बाबा बाबा आया मेरे रूम में वो भी सीन बड़ी वंडरफुल है वाली खट्टिया पर सोलाया था मुझे बाबा ने तो बाबा दरवाज़ा खोल के अचानक आया मैं ऐसे बैठी थी चाट देख रही थी बाबा चाट चाट देख रही थी तो कह बच्चे क्या कर रही हो मैंने कुछ बोला नहीं मैं ऐसे ऐसे तो कहता है दृष्टि दे के मैं बैठी हूँ बाबा सामने खटिया खरा है कहता है भक्ति में कान न मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा अब बाप कहते मैं गुलाम तेरा अस दिल पिघल गई समझो मैं उठूँ उठने देवे खरा है कहते है, मैं ग़ुलाम तेरा पर मैं उठ के पर भाकी पहन के पर अपने रूम ले के गया जी चार देख रही थी ना सच्ची देश से पुरुषार्थ करो ना कैसे बाबा सामने आता है तभी मैंने कल बाबा के रूम में जा कर के गोपी को बुला के कहा लिखो बैठ के सबको बोलो तो सही काहे को बैठ करके में कर के अपना हाँ पुरुषार्थ में मेहनत करो सब बाबा के सामने आकर बैठो तो सही हाँ तो कहता है तो, तो लेके बच्चे चार दिख रही थी अच्छा चलो मैं क्लास भी समझाता हूँ क्लास में चला सामने देख रहा है कहता है किसको दुख तो नहीं देती हो ना ठीक होगा चार ठीक रहेगा दुख तो नहीं देती है ना वो उसी याद है किसको मेरे से दुख न मिले फिर फिर कहता है अच्छा कल समझाऊंगा चाट क्या होता है फिर दूसरे दिन सुबह को कहता है चलो क्लास में बाबा चा समझाएंगा चाट क्या होता है मैं बाबा के पहले, पहले जाती थी तो कहता है मुली सुनते सुनते कहाँ चली गई ना चाट ख़राब है वो दिन आज का दिन सुनते सुनते बुद्धि कहां गई ना बच्चे झुटका किसको आता है जिसकी बुद्धि जो कहाँ बाहर लटका हुआ होता है उसको झुटका आता है मैं झुट पर रोज जो कहती हूँ ना कारण है जिसकी बुद्धि कहाँ भटकती है उसको झुटका आता है चाट हुआ है मुली सुनता है ना इतना बाबा ध्यान देता है हमारे ऊपर इसका कितना ध्यान पढ़ाई पर है बाबा के पूछा ना दिल बाबा की ऐसे बाबा की दिल मेरे से भी लगी हुई है मेरी उसे मिठरा हो रहा है, है। दिलवाला मंदिर मैंने देखने की मुझे इच्छा नहीं थी जाओ बच्ची दिल वाला मंदिर में देख के आओ तुम्हारी कहाँ बैठी हुई हो कोठरी तुम्हारी कौन सी है बात ऐसी करेगा प्रैक्टिकल है ना है। तो अभी प्रैक्टिकली हमको भगवान मिला है भगवान के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं सच्चू की दुनिया स्थापन करने के लिए है। एक बार बैठ गया बाबा के रूम में बैठी थी बात करते करते इतनी अच्छी बातें बाबा पूछ रहा था कुछ पूछ मैं सुना भी रही थी सब जो बात तो सुना रही थी तो कह तो मनोहर दादी आई दीदी आई बाबा बाहर खड़े है कहा सत्यनारायण की कथा चल रही है वो इतनी भासना अभी तक है मैं सत्यनारायण स्वामी के सामने बैठी हुई हूँ वो सुन बाबा सुन रहा है मैं सुना रही हूँ ऐसे बैठी हूँ सत्यनारायण बाबा सती बात करो ना इतना मज़ा इतना सुख बांबे जब गई ना तो बांबे बाबा कहता था बांबे पास करके जाओ पूना मैं सत्यनारायण स्वामी से मिल के आई हूँ तो सच्चाई के साथ बाबा से व्यवहार होने से इतना सुख है इतना सुख है गाड श्रुत भगवान सत्य क्या है दिल से पूछो अपन दिल से पूछो कितना बल देता है हाँ सदाई समझाया मैं भाग्यवान हूँ भाग्यवान हूँ भाग्यवान हूँ जो हमारे संघ में आए गए वो भी भाग्यवान है हाँ। तो बाबा इतना हमको सच्चा बनाता है और सच्च खंड स्थापन करता है और सच्चा बना करके प्योर पावन बना करके नैनों पर बिठा के लेके जाता है तो हमारे हमारे देखे हमारे कभी नैन देखो जैसे बाबा के नैनों में कौन है देखो ना बाबा को अच्छी तरह देखो ना आंखें खोल के देखो ना तो हमारे नैनों में कौन को है कोई भूल से नैनों में नहीं आ सकता कोई मेरे को दिख नहीं सकता किसके नैन मेरे को नहीं देख सकते किसकी आंखें से नहीं देख सकती जो मैं चला माना हो या उसको दे, देख करके डर जाऊं मुझे डरा नहीं सकता आंख दिखा नहीं सकता किसकी हूँ ऐसे भी सोच लिए बाबा ने भी शरा दिया था किसी को अपमान करता है तो भले करे उसका ठीक है ड्रामा में पर उसको अपमान करने की शक्ति क्यों आई अपमान करने की शक्ति क्यों आई तुम्हारी कमजोरी है बाबा के सामने भी किसने अपमान किया होगा उसी घड़ी उसकी टारगेट कंपेंगी है कहने पर टांगे काँप ही होंगी फिर उसको पश्चाताप किया होगा इतनी हमारे अंदर स्वमान में रहना माना सच्चाई की स्व शक्ति इतनी हो जैसे निराकारी स्थिति में निर्विकारी रह करके निरंकारी पर से हमारे विजय हुई पड़ी है ये है मेरे सच्ची दिल पर राजी हिम्मत बच्चे मदद ए बाप नियत साफ मुरादास नियत साफ मुरादास जो संकल्प करो हो आ रहा है हिम्मत बच्चे मदद बाप गोला ऐसे है ना गोला क्या समझता है यहाँ देखो तो सही ना जब से गोला ज्ञान में आया है ना ये छोट्रा हिम्मत बच्चे मदद बाप सच्ची दिल पर साहबराजी नियत साफ़ मुरादासल असल बस यह सारी कहानियों का तीन आद बातों पर आधार है, है।